जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप माता वैष्णो देवी के यात्रा करने के लिए योजना बना रहे हैं और माता के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा कैसे पहुंचना है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हमको होटल्स कहाँ मिलेंगे, कैसे हम वहाँ के गवर्नमेंट ट्रस्ट का साइन बोर्ड में हम बुकिंग करा के अपना होटल एकोमोडेशन ले सकते हैं, हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी, हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, हमारा टोटल खर्चा कितना लग जाएगा श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि माता वैष्णो देवी दर्शन करने के अलावा यहाँ पे आप भैरव मंदिर भी कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा दर्शन करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि हमको वैष्णो देवी कैसे पहुंचना है। दोस्तों यहाँ पे वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आपके पास दो मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है यहाँ का बाय ट्रेन। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो यहाँ का है SBDK, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको देश के ज्यादातर ट्रेनें देखने को तो नहीं मिलेंगी, पर दिल्ली से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी आराम से देखने को मिल जाएगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। वही अगर बात की जाए कि यदि आपको कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो फिर आप आ सकते हैं यहाँ के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो कि कटरा से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे ये जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों आप जम्मू तक अपनी अराइवल बना के आप बाई रोड भी कटरा पहुंच सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों कि आप बाई ट्रेन कैसे आ सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी हवाई अड्डा है वो है यहाँ का जम्मू एयरपोर्ट। जम्मू एयरपोर्ट में आप आके बाई रोड डिस्टेंस आप 65 से 70 किलोमीटर तय करके आप कटरा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके पास दो कन्वीनियंट कि आप कैसे पहुंच सकते हैं। वही अगर बात की जाए कि आप बस से आना चाह रहे हैं तो बस की भी यहाँ पे कनेक्टिविटी डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली से भी जम्मू के लिए बसेस चलती हैं, तो आप बस के माध्यम से भी आप जम्मू तवी पहुंच सकते हो या फिर कटरा आप पहुंच सकते हो। तो दोस्तों ये बातें थी कि हम कटरा कैसे पहुंचे। तो दोस्तों कटरा वही स्थान है जहां से आपको माता के दर्शन करने के लिए पद यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता होगा कि माता के दर्शन करने के लिए आपको 12 से 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। तो आप कटरा से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे भवन तक। भवन दोस्तों वो स्थान है जहाँ पे माता का मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम कटरा पहुंच चुके हैं और हमको कटरा में अब स्टे कहाँ करना है, हमको होटल्स कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों कटरा बस स्टैंड के पास या फिर कटरा का जो आपका RFID काउंटर है जहाँ पे आपको ID कार्ड मिलेगी, आगे मैं भी आपको बताऊंगा कि ये ID कार्ड कैसे निकलवानी है आपको। तो दोस्तों यहीं पे आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आप बात की जाए कि रेलवे स्टेशन के सामने साइड में भी आपको बहुत सारे रीजनेबल होटल देखने को मिल जाएंगे जिसका कॉस्ट 800 से 1000 रुपए होता है और आपको अच्छे फैसिलिटी के साथ होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आप अपने होटल की बंदोबस्त कर सकते हैं। चलिए आइए माता के दर्शन करने के लिए हम बढ़ते हैं और बताता हूँ कि और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। जय माता दी दोस्तों, सुप्रभात। अभी मैं यहाँ पे आया था यात्रा कार्ड निकलवाने, यानी कि एक प्रकार से जैसा हमारा पहले रजिस्ट्रेशन होता था यात्रा पर्ची का, अभी यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे काउंटर बनी हुई है। पीछे देख सकते हैं ये काउंटर नंबर 2 है, काउंटर नंबर 1 बस स्टैंड के पास है। तो ये आपको एक आई कार्ड देंगे, ये आई कार्ड आपको लटका के रखना है, यही आपका एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। तो दोस्तों आप अपने यहाँ पे सबसे पहले यात्रा पर्ची निकलवाइए, यानी कि आईडी कार्ड निकलवाइए। इसके लिए आपको आधार कार्ड ले जाना होता है और ये पूरा निःशुल्क होता है। चलिए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ भवन की तरफ। दोस्तों अब हम होटल से ताराकोट के लिए हम प्रस्थान कर चुके हैं। हमने यहाँ पे टैक्सी हायर करके ताराकोट तक जा रहे हैं जहाँ पे वो हमको ड्रॉप करेगा और वहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। दोस्तों यहाँ पे होटल से लेके जो टैक्सी वाले का कॉस्ट होता है वो आपका 150 रुपए 200 रुपए होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका होटल कहाँ पे। हमारा होटल जो था दोस्तों वो हमारा रेलवे स्टेशन के पास था, तो हमारा दोस्तों जो चार्ज था वो 200 रुपए कह रहा था, लेकिन आप बार्गेनिंग करा के 150 तक भी उस कॉस्ट को आप ला सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपनी पैदल यात्रा शुरू करने के लिए। अब मुख्य तौर पे आपको बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पे पैदल यात्रा दो तरीके से शुरू होती है। एक होती है आपकी यहाँ पे बाणगंगा मार्ग से, जहाँ से ज़्यादातर तीर्थयात्री उस मार्ग को प्रीफर करते हैं। दूसरा मार्ग दोस्तों होता है आपका यहाँ का ताराकोट मार्ग, जो कि मैंने अपनाया ताराकोट मार्ग, क्योंकि बाणगंगा मार्ग से थोड़े से घोड़े खच्चरों का आवागमन ज़्यादा होता है और रास्ते में थोड़ी सी उनकी भीड़ होने के कारण तो मैंने प्रीफर किया अपना ताराकोट मार्ग। और मैं ताराकोट मार्ग से ही मैं माता के भवन तक पहुंचूंगा और वापसी मैं अपने बाणगंगा से आऊंगा, क्योंकि बाणगंगा में वापसी के समय पे मुझे चरण पादुका के दर्शन होंगे। तो यात्रा के दरमियान, ट्रैकिंग के दरमियान आपको किसी भी तरीके कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे जगह जगह पे बैठने की फैसिलिटी दी हुई है और आपको यहाँ पे वाटर कूलर की फैसिलिटी, आपको रेस्टोरेंट की फैसिलिटी, सभी चीज़ें के प्रकार यहाँ आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इवन आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, तो अगर आपको कोई सांस लेने में तकलीफ या फिर कोई भी सर दर्द कुछ भी होता है तो आप वहाँ जाके हेल्थ सेंटर पे भी दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर की रिगार्डिंग अगर आप हेलीकॉप्टर बुक कराना चाहते हैं तो जैसे अगर आज आज की ट्रिप है आपकी, तो ऐसे ठीक 4 दिन पहले
आप अपनी हेलीकॉप्टर बुकिंग करा सकते हैं। 4 दिन पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग कहाँ करानी है तो नीचे वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके माता श्राइन बोर्ड के वेबसाइट में जाके अपनी बुकिंग हेलीकॉप्टर करा लीजिएगा। यहाँ पे जो प्राइस जो होती है हेलीकॉप्टर की, वो प्राइस ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है, डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा है और ट्रस्ट की तरफ से जो भी फ्लक्चुएशन रहती है उस हिसाब से प्राइस वेरी करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हेलीकॉप्टर वालों को जो उतारती है वो उतारती है आपको सांची छत। अब ये सांची छत कहाँ है तो जो माता का मंदिर है, जो भवन है, जो कि हम लोग अभी जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा पड़ेगी, तो वहाँ माता के भवन से 2 किलोमीटर पहले, 1.5 से 2 किलोमीटर पहले आपका पड़ता है एक सांची छत। वहाँ सांची छत में आपको हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेगी और उसके पश्चात आपको वहां से घोड़े खच्चर या फिर आप पैदल ही आपको भवन तक की यात्रा तय करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आपको यहाँ पे जो भी हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है मैंने बता दिया। जो उड़ान आपकी रहेगी हेलीकॉप्टर की वो कटरा से रहेगी, बस स्टैंड के पास हेलीपैड बना हुआ है, उसी हेलीपैड से आपकी कटरा की बुकिंग रहेगी और आप जाएंगे सांची छत जो कि भवन से 2 किलोमीटर पहले। दोस्तों जैसे आप ताराकोट मार्ग से ऊपर 2 किलोमीटर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लंगर मिलेगा। इस लंगर में दोस्तों आपको हलवा दिया जाता है और दाल चावल दिया जाता है, चने की दाल की सब्जी है, तो देखते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट है। माता का आशीर्वाद से हमको ये भी नसीब होता है यदि आप ताराकोट मार्ग से आते हैं तो। वही अगर आप बाणगंगा मार्ग से आएंगे तो वहाँ पे भी आपको गुलशन लंगर करके मिलेगा। उस गुलशन लंगर में भी आप जाके अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं, माता का प्रसाद ले सकते हैं। तो खाने पीने की बंदोबस्त भी, पानी पीने की बंदोबस्त भी बीच बीच में जगह जगह में दी गई है। दोस्तों अभी हम यहाँ अधुकुआरी पहुँच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कटरा जाता है, इससे नीचे जाएंगे तो इधर से रास्ते और इस वाले रास्ते से जाएंगे तो ये आपका ताराकोट जाता है और ये वाली जो मार्ग है ऊपर वाली मार्ग, ये मार्ग आपकी जाती है भवन की तरफ। अभी हम भवन की तरफ जा रहे हैं, हम हिमकोटी मार्ग से जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भवन वाया हिमकोटी मार्ग और इधर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कटरा वाया चरण पादुका लिखा हुआ है और ये वाला मार्ग तारा। तो दोस्तों हम अभी आ चुके हैं अधुकुवारी में और अधुकुवारी में जो मुख्य रूप से हम आए हैं वो ये है गर्भजून। यहाँ पे जो माता का गर्भगृह था जो कि माता ने 9 महीने रह के यहाँ बिताया था, तो ये देख सकते हैं आप ये गर्भगृह है। तो इस गर्भगृह में जाने के लिए आपको पहले यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ेगी। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ग्रुप नंबर 40 चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पहले यात्रा पर्ची कटवा के अपना ग्रुप अलॉट करवाना पड़ेगा। ग्रुप आपको हो सकता है 60 नंबर 80 नंबर, डिपेंड करता है क्या क्राउड है तो उस हिसाब से आपको नंबर आएगा। एक ग्रुप में लगभग 8 से 9 लोगों को भेजा जाता है। इस तरीके से आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो कुछ दर्शनार्थी क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर्ची कटवा लेते हैं, पर्ची कटवाने के बाद वो निकल जाते हैं भवन के लिए वैष्णो माता जी का दर्शन करके, फिर वो वापस यहाँ अधुकुवारी में आते हैं और अधुकुवारी में जाके फिर गर्भगृह में लाइन लगते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सीज़न में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो लाइन रहती है वो हमको, मतलब जो ग्रुप में नंबर मिलता है वो लगभग हमको एक दिन बाद या फिर 12 घंटे के बाद रहता है। तो उस हिसाब से लोग वहाँ दर्शनार्थी जो रहते हैं वो वहाँ जाके स्टे करते हैं, रुकते हैं, उसके बाद फिर आके यहाँ अपना दर्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अधुकुवारी में ये तो था कि मुख्य रूप से हमको गर्भगृह में दर्शन करना है और कैसे करना है, कैसे यात्रा पर्ची आपको मिलेगी ये मैंने बता दिया। अब और यहाँ पे बात करते हैं कि श्राइन बोर्ड यानी कि जो वैष्णो देवी माता का श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे होटल्स हैं, तो यहाँ पे भगवती भवन करके है, तो भगवती भवन में भी आप ऑनलाइन रूम बुकिंग अपनी करवा सकते हैं, जो कि इस वेबसाइट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भोजनालय श्राइन बोर्ड की तरफ से यानी कि रेस्टोरेंट मिलता है, तो यहाँ आप जाके खाना खा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लॉक रूम भी मिलती है, अगर आप अपना बैग लगेज रख कर आप भवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप लगेज भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंबल मिलती है, 100 रुपये की कंबल होती है, तो कंबल लेकर आप अपने यहाँ रात विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद आप कंबल रिटर्न करेंगे तो वो 100 रुपये आपको रिफंड हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर 100 रुपये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है और आप कंबल लेकर अपनी रात यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अधुकुवारी का, यहाँ पे कैसे हमको रुकना है, क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे भवन के लिए। अब यहाँ पे जो अधुकुवारी थी वो जंक्शन थी, जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ताराकोट मार्ग वाले भी आते हैं और जो बाणगंगा मार्ग से आते हैं, दोनों जन यहाँ मिलते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो फिर आप घोड़े खच्चर, पालकी या फिर बैटरी कार के द्वारा आप माता के भवन पहुंच सकते हैं। हालांकि दोस्तों ताराकोट मार्ग में घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं, लेकिन अगर आप बाणगंगा मार्ग से आते हैं तो फिर आपको घोड़े खच्चर के रेट मिल जाएंगे। चलिए आइए जानते हैं कि घोड़े खच्चर, पालकी और बैटरी कार ये सब चीजों की क्या कॉस्ट हमको पड़ जाती है। कितना लेते हैं घोड़े का? सर 400 रुपये। सर 400 रुपये यहाँ से भैरव मंदिर ले जाना लाना? नहीं नहीं, वन साइड का सर। वन साइड का 400 और रिटर्न अगर राउंड ट्रिप लेंगे तो? राउंड ट्रिप लेंगे तो उतना ही पड़ता है। उतना ही पड़ जाएंगे 400 में। पर्ची मिलती है ना, ऐसे देखो जैसे ये पर्ची आई है अधुकुवारी से, बाणगंगा से अधुकुवारी का 500। अच्छा 550 पीछे से जो पीछे वाला काउंटर है ना, बिल्कुल वहाँ से सर। और अगर बाणगंगा से डायरेक्ट भवन तक आते हैं तो 1250 रुपया, लेकिन मेन गेट से मतलब पीछे से आओगे 1150 रुपये सर। और यहाँ अगर भैरव मंदिर से जाते हैं तो आपका ये 400 रुपये लगती है। जी सर।
ओके थैंक यू। तो दोस्तों ये तो बात थी कि घोड़े की कॉस्ट हमको क्या पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम पालकी के द्वारा आना चाहें तो हमको पालकी की क्या कॉस्ट पड़ जाएगी। तो दोस्तों पालकी का कॉस्ट, अगर आप कटरा से भवन तक पालकी के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको 2700 से 2800 रुपए एक बार का पड़ेगा। और वही अगर आप अधगुवारी से पालकी लेते हैं तो ये आपको कॉस्ट लगभग 1700 से 1800 रुपए पड़ जाएगा। दोस्तों कुछ टूरिस्ट अपना बैग सामान या फिर अगर छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा लगेज ट्रॉली भी चली है। तो लगेज ट्रॉली में आप अपने बच्चों को बैठा के या फिर अगर आप अपना सामान रख के माता के भवन तक ले जाना चाहते हैं तो आपको ये भी ऑप्शन मिलते हैं। ट्रॉली वाले दोस्तों जो किराया लेते हैं, अगर मैं पूरे ट्रैकिंग की बात करूं यानी कि 12 किलोमीटर की बात करूं, तो ये आपका जो नीचे कटरा से माता के भवन तक के जो किराया लेते हैं वो आपका 540 रुपये लेते हैं। और वही अगर आप अधकुवारी से लेते हैं तो अधकुवारी से जो माता के भवन तक का जो इसका किराया है वो आपका 340 रुपये पड़ता है और वो आपका सामान माता के भवन तक पहुंचा देंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अगर आप बैटरी कार से आना चाहते हैं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ जाएगी। दोस्तों हालांकि आपको एक चीज़ ये बता दूं कि बैटरी कार जो चलती है वो आपकी अधकुवारी से लेके माता के भवन तक जाती है और वही बैटरी कार माता के भवन से लेके आपको अधकुवारी तक छोड़ेगी। कुल मिलाकर आपको नीचे कटरा से लेके माता के भवन तक आपको डायरेक्ट बैटरी कार नहीं मिलेगी। पहले आपको 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करके या फिर घोड़े खच्चर के द्वारा आपको पहले आना पड़ेगा अधकुवारी और फिर अधकुवारी से माता के भवन तक बैटरी कार आपको छोड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अधकुवारी से लेके माता के भवन तक की, यानी कि चढ़ते समय आपको जो किराया देना पड़ेगा वो आपको 354 रुपए देना पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप माता के भवन से लेके अधकुवारी तक रिटर्न आते हैं तो फिर आपको जो कॉस्ट देनी पड़ेगी वो आपको 236 रुपए प्रति व्यक्ति देनी पड़ेगी और आप बैटरी कार के माध्यम से अधकुवारी तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती है। टिकट की लाइन आधा घंटा एक घंटा डिपेंड करता है कितनी वहाँ पे भीड़ है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक टिकट मिलेगी। टिकट मिलने के बाद आप एक गाड़ी में 6 से 7 लोग एकोमोडेट होंगे और उसके बाद वहां से गाड़ी आपको अधकुवारी तक ड्रॉप करेगी या फिर आप अधकुवारी से माता के भवन तक भी इसी तरीके से आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बात ही थी कि अगर आप बैटरी कार के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको अधकुवारी से ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे भवन, और भवन पे पहुंचने के साथ ही सबसे पहले जैसे आप एंट्रेंस करेंगे पीछे, ये आपका यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा पीछे में देख सकते हैं यहाँ पे लॉकर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे लॉकर है जहाँ पे आपका मोबाइल कैमरा जूते चप्पल कुछ भी नहीं जाते, लड़कियों के पर्स भी नहीं जाते हैं, अगर पर्स में मेकअप के आइटम है तब तो और नहीं जाएंगे, बेल्ट नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी माता के दर्शन करने जब जाएंगे तो नहीं जाएंगी। तो आप ये सब लॉकर में रखिए। लॉकर में आपको एक टोकन देंगे, वो टोकन आप संभाल के रखिए और उसके बाद आने के बाद आप अपना संभाल ले जाइए। लॉकर के ठीक सामने साइड यानी कि इस साइड में यहाँ पे भेंट प्रसाद है। यहाँ भेंट प्रसाद यानी कि यहाँ पे माता का प्रसाद मिलता है। ये यहाँ से आपको दो प्रकार की चीज़ें मिलती है, एक होता है विदाउट नारियल, एक होता है विथ नारियल। तो विदाउट नारियल वाला लेंगे तो 50 रुपये चार्ज होता है और नारियल के साथ लेंगे तो 100 रुपये चार्ज होता है। एक आपको बैग दिया जाता है, उस बैग को लेकर आप जाइए दर्शन कीजिए, दर्शन आप लेके जाइए माता के भवन तक और भवन में वहाँ पे आपको टोकन देंगे, वो टोकन जमा करेंगे तो आपको वहाँ पे चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नारियल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और हमको अब खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी। दोस्तों भवन में आपको माता श्राइन बोर्ड के ढेर सारे आपको भोजनालय देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल कॉस्ट में आपको थाली मिल जाएगी 80 रुपए की, और अगर आप वही राजमा चावल कढ़ी ये सब लेना चाहते हैं तो वो आपको 40 से 45 रुपए मिल जाएगी, जो कि भरपेट आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो भैरव मंदिर जाने के लिए भवन से आपको रोप वे की भी फैसिलिटी मिलती है। हालांकि ये सुविधाएं आपको पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अभी आपको रोप वे का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप भवन से रोप वे लेते हैं तो यहाँ पे आपको पहले कटानी पड़ेगी टिकट, और एक टिकट का जो कॉस्ट होता है वो आपका 100 रुपए लिया जाता है और आप भवन से लेके भैरव मंदिर तक आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भवन में रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कुल मिलाकर अगर आपको रूम बुकिंग नहीं हो पाया है, माता श्राइन बोर्ड के वेबसाइट में आपको सीट अवेलेबल नहीं मिली है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, वो है आपका डॉर्मेट्री का। दोस्तों अगर आपकी फैमिली बड़ी है या छोटी है, जैसी भी फैमिली हो, वहाँ पे आपको मिलती है डॉर्मेट्री सर्विसेज। डॉर्मेट्री सर्विसेज में दोस्तों आपको ब्लैंकेट दिया जाएगा। एक ब्लैंकेट का कॉस्ट दोस्तों जो होता है वो 100 रुपये होता है, लेकिन ये रिफंडेबल अमाउंट होता है। कुल मिलाकर आप अगर एक व्यक्ति है और आपको बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए 2 ब्लैंकेट 3 ब्लैंकेट जितने ब्लैंकेट चाहिए वहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से वहाँ पे ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो वो आप जितने ब्लैंकेट लेंगे उतना आप पैसा पे कर दीजिए, रात्रि विश्राम करिए, अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के पहले आप उनको ब्लैंकेट लौटा दीजिए और आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये डॉर्मेट्री सर्विसेज है जो कि आप वहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं अगर आपको रूम अवेलेबल नहीं हुआ या फिर आपकी होटल बुकिंग नहीं हो पाई है। तो दोस्तों हम बाणगंगा मार्ग से जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे घोड़ों का आवागमन जारी है। तो इसीलिए बाणगंगा में इस चीज़ की थोड़ी सी आपको परेशानी होती है अगर आप ट्रैकिंग करते समय जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही फर्क है बाणगंगा मार्ग में और ताराकोट मार्ग में। विकल्प आपके पास है, ये आपको निर्धारित करना है कि आपको बाणगंगा मार्ग से होते हुए पहुंचना है भवन या फिर आपको ताराकोट मार्ग से जाना है। यहाँ पे एक मेन चीज और है कि अगर आप बाणगंगा मार्ग से होते हुए जाते हैं तो आपको यहाँ पे खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल्स, स्नैक्स आइटम्स, फल, कुछ शॉपिंग करने की दुकानें, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी अगर आप बाणगंगा होते हुए जाते हैं। तो दोस्तों हम अब बाणगंगा मार्ग से रिटर्न हो रहे हैं
और बाणगंगा मार्ग से जो वापसी जाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमको माता के चरण पादुका के दर्शन करने हैं और हमको बाणगंगा भी देखना है। तो दोस्तों ये है माता के चरण पादुका के मंदिर, यहाँ आप जाइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। तो यार की टोटल कॉस्ट कितना लग गया वैष्णो देवी यात्रा के लिए? तो दोस्तों अगर दो दिन की यात्रा बनाते हैं, क्योंकि एक दिन तो आपको लग जाएगा चढ़ने उतरने में, तो एक दिन तो आपकी वो हो गई और दूसरा दिन आप रेस्ट करेंगे या फिर लोकल मार्केट घूमेंगे कटरा का, तो दो दिन की अगर यात्रा आप करते हैं और अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपका जो खर्चा आएगा लगभग 2,000 से 2,500 रुपए इसके आसपास आएगा, क्योंकि होटल के खर्चे लगेंगे और आपका जो ऑटो करेंगे वो लगेगा और आपको जहां भी खाना पीना खाएंगे तो वो कॉस्ट ही लगेगी। तो एक व्यक्ति का लगभग हम कह सकते हैं कि 2,000 से 2,500 रुपए लगेगा। और वही अगर आप घोड़े खच्चर पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वो फेयर तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो आपने राउंड ट्रिप का लिया है घोड़े खच्चर या एक बार का लिया है, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर घोड़े खच्चर लेके आप यात्रा करते हैं तो मान के चलिए कि 5,000 से 6,000 रुपए लगेगा, और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का लगभग आपका 10,000 रुपए पड़ जाएगा। तो ये था ओवरऑल आइटनरी। इसके बाद अगर आपको दोस्तों कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो प्रकट कीजिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा उत्तर दिया जाएगा। और अगर अभी आपको कोई टिप्पणी करनी है या फिर कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर यहाँ पे मेरे को रिप्लाई दीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी, आपकी यात्रा मंगलमय।